Hello everyone. In this maths video, today we will learn the concept of rounding off to the nearest 10. Here we have strong digits 5, 6, 7, 8 and 9 are strong digits because they have power to push the digit at 10s to the next number. And the weak digits are 0, 1, 2, 3 and 4. These are the digits which do not push the digits at the tens place to the next. Now let's practice. So firstly, my students, aapko ek bar bata dun कि जो स्ट्रॉन्ग डिजिट्स हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 जो कंसेप्ट है इसमें जो स्ट्रॉन्ग डिजिट्स हैं दैट मीन्स वो डिजिट्स जिनमें ज़्यादा शक्ति ज़्यादा पावर है वो है 5, 6, 7, 8 and 9. इनको स्ट्रॉन्ग डिजिट्स इसलिए बोला है क्योंकि ये जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनको नेक्स्ट लेवल पे कर देगा, उनको धक्का लगा के नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, दैट मीन्स उनमें 1 ऐड कर देंगे, राइट. एंड जो वीक डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3 and 4. और ये वीक डिजिट्स इसलिए हैं क्योंकि जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होंगे वो उनको सेम एज इट इज ही रहने देंगे. सो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्टली वी हैव 42. सी स्टूडेंट्स, दिस इज वंस and this is tens. Right here, this is ones and this is tens. And जो tens place पे है, क्योंकि आप देख रहे हो जो 2 है ये weak है digit, 3 भी weak digit है, 4 जो है ये भी weak digit है, अभी आपने learn किया है. 5 is strong digit, 7 is also strong and 6 is ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो हमने इनको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कैसे करना है, हमने ओनली टेंस प्लेस तक देखना होता है. दिस इज वंस, दिस इज टेंस. तो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट आएगा, वंस प्लेस पे तो हमने इसको 0 ही रहने देना है और टेंस प्लेस पे हमने चेंजिंग करनी होती है. बट अगर ये देखो जो 2 है ये वीक डिजिट है इसलिए ये 4 को एज इट इज 4 का 4 ही रहने देगा. अगेन नेक्स्ट देखो ये 3, दिस इज 5, 53. इसमें वंस प्लेस पे क्या है 3, राइट. वंस प्लेस पे है 3 जो कि एक वीक डिजिट है. सो वीक की वजह से यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे तो सभी में 0 ही रहेगा. 5 जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये 5 का 5 ही रहेगा. अगेन 4 जो है वीक है इसलिए ये 3 को नहीं चेंज करेगा, 3 को एज इट इज 3 का 3 ही रहने देगा. क्लियर. मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर वीक डिजिट्स आ रहे हैं वंस प्लेस पे तो ये वंस प्लेस वाले वीक डिजिट्स टेंस वाले को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज ही रहने देंगे बिकॉज ये तो वीक है. और यहाँ पे आपने 0 लगाना सभी में, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कर दिया. अब नेक्स्ट देखो जो स्ट्रॉन्ग डिजिट्स हैं उनकी एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 है, 7 है एंड 6 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग डिजिट्स है आपने पढ़ा है. स्ट्रॉन्ग की वजह से ये जो नेक्स्ट टेंस प्लेस पे है इसमें 1 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स इसको 1 स्टेप नेक्स्ट ले जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है. इन्होंने उसको पुश किया, धक्का लगाया और उसको अगले लेवल पे ले गए. यहाँ पे तो आपने 0 लगाना है तो ये 7 का नेक्स्ट क्या होगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर. 75 का राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 किया तो 80 आ गया. 27, अगेन ये जो 7 है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डिजिट है तो ये 2 को पुश करेगा, धक्का लगाएगा तो 2 चले जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर बन जाएगा. सो 2 का बन गया 3. 30, यहाँ पे सभी ने 0 ही लिखना है वंस प्लेस पे, वंस पे 0. 86, अगेन इसको पुश करेगा, धक्का लगाएगा और ये बन जाएगा 90. दिस इज 90. आई होप स्टूडेंट्स ये आप सबको क्लियर होंगे. अब नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम.
नेक्स्ट 123 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ही करना है. सो इसलिए स्टूडेंट्स हमने ओनली टेंस प्लेस वंस टेंस तक ही देखना है क्योंकि टेंस को राउंडिंग ऑफ करना है. अगेन दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड. वंस टेंस एंड दिस इज हंड्रेड. क्लियर? तो जो हंड्रेड प्लेस पे है उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज ही रहने देना है और बाकी हमने चेंज करने हैं. वंस टेंस हंड्रेड ये थ्री है, थ्री वीक डिजिट है, सो इसलिए ये टू को नहीं चेंज करेगा, टू एज इट इज ही रहेगा. तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, टू एज इट इज़, और ये जो हंड्रेड प्लेस है इसका हमने कुछ नहीं करना, इसको सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिख देना है क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करना है. हमने देखने ओनली ये टू डिजिट्स है, उसके पहले चाहे थाउजेंड आ जाए, 10,000 आ जाए, तो आपने उसको एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना है. अब यहाँ पे मैंने थ्री डिजिट्स यूज़ किए हैं, इसमें ओनली हंड्रेड प्लेस तक की है. नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस. 54 देखना है. अब फोर जो है वीकेस्ट है, ये फोर जो है वीक डिजिट है, सो ये फाइव को पुश नहीं करेगा, जहाँ पे फाइव है उसको फाइव को एज इट इज़ फाइव ही रहने देगा. सो क्या आएगा, ज़ीरो फाइव एंड ये फोर का फोर. इस फोर में क्यों नहीं कोई चेंजिंग हुई, क्योंकि ये टेंस हंड्रेड प्लेस पे है, इसको हमने चेंज नहीं करना. नेक्स्ट टू अगेन वीक है, ये उसको एज इट इज़ एट को एट का एट ही रहने देगा. सो यहाँ पे ज़ीरो एट सेवन, 780 सेवन सेम टू सेम आ गया. अब नेक्स्ट देखो, एट नेक्स्ट में नाइन और नेक्स्ट में ज़ीरो, ठीक है. सो ये जो एट है स्ट्रॉन्ग है, एट इज़ दी स्ट्रॉन्ग डिजिट, तो एट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये अपने टेंस प्लेस पे जो डिजिट है इसको पुश करेगा, इसको धक्का लगाएगा क्योंकि एट स्ट्रॉन्ग है, और ये इसको नेक्स्ट नंबर बना देगा. सो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा, सेवन का बन गया एट और सिक्स सेम टू सेम आ जाएगा. नेक्स्ट 49 जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये फोर को करेगा पुश, उसको धक्का लगाएगा, उसको बना देगा नेक्स्ट फाइव, फोर के बाद फाइव आता है, ठीक है. सो ज़ीरो फाइव नाइन सेम टू सेम, जो हमने हंड्रेड प्लेस पे है वो सेम टू सेम ही लिखे हैं, इनको नहीं हमने कुछ भी करना क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बोला है, हमने टेंस तक ही देखना है. अब नेक्स्ट देखो, ज़ीरो आ गया. सो ज़ीरो क्या है, 8080 ये ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 नहीं है, 80 है, ज़ीरो है, वीक है डिजिट, ये 8 को कुछ नहीं करेगा, 8 एज इट इज ही रहेगा, 780. आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.